गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.3 का लास्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है, वही है हमें सॉल्व करना है और बताना है कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है कि नहीं है। सम क्वेश्चन गिवन है 3m = 5m - 8/5 क्वेश्चन है। अब देखिए m और n सेम है तो इसको 5m और लोगे सेट है तो उधर प्लस में डालेगा तो माइनस में होगा और 8/5 ऐसे का आंसर आएगा। माइनस क्या तो 2m आया। अब बड़े पे कौन सा साइन है? माइनस का साइन इसलिए आंसर में माइनस का साइन है और माइनस 8/5 बच गया हमारे पास। क्या रह गया? 2 × 2 = 8 होता है हमारे पास। क्या रह गया? एन की वैल्यू आ गई 4/5। अब उसके बाद हमें चेक एलएचएस और आरएचएस इक्वल रह गए नहीं, यही चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब जो वैल्यू आती है उसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसी इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, यहाँ पे 3m है, m की जगह पे हमने क्या रख दिया 4/5 इक्वल टू 5m है, 5 m की जगह पे रख दिया 4/5 माइनस 8/5 और 8/5 एज इट इज। 3 × 4 = 12/5 हो गया इज इक्वल 5/5 कर लिया लेकिन 4 − 8/5 रहेगा। फिर 8/5 उधर माइनस में उधर जाकर क्या हो गया प्लस में हो गया तो प्लस का 20/5 आ गया। प्लस से माइनस फ्रैक्शंस में करते तो ऊपर वाले नंबर से प्लस माइनस होते हैं, नीचे वाले नंबर से प्लस माइनस नहीं होते हैं तो 20.5 आया। 5 × 4 = 20 आता है तो आंसर आ गया ये भी पूरा गया मतलब क्या हो गया एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया। आप पैदल देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।